भेजू यार, यार भेजू, सॉरी। अब मुझे आज नहीं भी सोता तो क्या चला जाता, खामखा सृष्टि को परेशान कर दिया। मैं उसे सॉरी बोल के आता। सॉरी वॉरी बोलने कोई जरूरत नहीं है। ए, मैडम जी पता नहीं काहे मैं कभी कभी इनका ना माथा इतना गर्म हो जाता है, सातवें आसमान में गुस्सा चढ़ जाता है, फालतू में रिएक्ट कर रही है। एक काम करते हैं, हम जाके समझा के आते हैं उनको, ठीक है? लो हो गया झगड़ा, सीमेंट सी बनी मजबूत दीवार में दरार आ गई। रागनी भाभी कहाँ हो तुम? भाभी देखो ना, सुराख हो गया है। यार ये बैजू भी ना आधा मिनट और लेट आ जाता, मजा ही आ जाता। हमको समझ में नहीं आ रहा ये विशु जी को लेके आप इतना गुस्सा कहाँ है। ए, विशु जी तो हमारे घर के सदस्य है ना, हमारे कमरे में सो गए तो कौन सा बड़ा बात हो गया? इससे पहले दुलारी दे दिया, दिव्या दे दिया, रागिनी भाभी भी तो हमारे कमरे में सोई है ना पहले। बैजू उन सब में और विशु जी में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है समझे ना, ऐसे आपके देखने के तरीके में फर्क है। नहीं, हमारे देखने के तरीके में कोई फर्क नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक दिन विशु जी के पाँव में चोट लग जाती है, अगले दिन उनके आंख में कुछ चला जाता है, तीसरे दिन वो हमारे साथ आकर सो जाते हैं। ये मोबाइल का सिग्नल भी ना एकदम हमारे घर की बिजली की बत्ती जैसा हो गया, कभी आता है कभी चला जाता है। बाहर जाके देखते हैं। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? कुछ अजीब होगा ना तो अजीब लगेगा, हम समझ रहे हैं। तुम नहीं समझ रहे हो। अरे समझिए हमारी बात, आप ये सोच रही हैं कि जो विशु जी हैं अब पहले बहुत परेशान किए आपको, ठीक है, और हम लोग के बीच में ना मुश्किलें भी खड़े किए, पर गलतियां सबसे होती है। हजार गलती हम भी किए ना, आप हमको माफ कर दिए। एक बार अच्छे मन से विशु जी को माफ करके देखिए, सब ठीक हो जाएगा। बात सिर्फ माफी की नहीं है, हमें बस ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ कुछ गलत हो रहा है। ये गलत कुछ नहीं हो रहा है, ये आपका दिमाग थोड़ा ओवर टाइम मतलब ज्यादा सोच रही हैं आप बस। अरे एक मिनट एक मिनट, कितना लड़ाई झगड़ा काहे कर रहे हैं? मानते हैं कि तुम दोनों ने अपना कमरा जो है उदयबर जी को दे दिया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा रात यहाँ गार्डन में गुजारोगे। हाँ नहीं भाभी, वो बस हम, आपको कैसे पता कि विशु जी हम लोग के कमरे में? अरे वो देवर जी ना हमें बताए थे कि वो बाल का कुछ लीकेज हो रहा है, उस चक्कर में जो है दे दिए तुम दोनों अपना कमरा उसको। देखो रागिनी भाभी को भी पता है, अब हुआ विश्वास। अच्छा अच्छा, ये जो डिस्कशन है ना ये बाद में करेंगे, ठीक है? जाके हमारे कमरा में सो जाओ, हम और मिस्टर जी वैसी बाबूजी के साथ सोते हैं, ठीक है? चलो जाओ। रागिनी लेकिन लेकिन जो है वो कल सवेरे, ठीक है? अभी जाओ फटाक से जाओ। चल थोड़ा पानी पीजिए समझे ना, गुस्सा ठंडा होता है। फोन उठाओ पराग भैया,
देव जी क्या कर रहे हैं आप? हाँ भाभी आपने देखा नहीं वो बैजू वो किस तरीके से लड़ रहा था सृष्टि के साथ। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि सृष्टि को उस मोबाइल में दिखाई गया। सृष्टि को बैजू की आंखों में क्या दिखा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारी आंखें अभी आपकी आंखों में जो देख रही है ना वो बहुत खतरनाक इंसान है। कहा हो गया देवर जी आपको, कैसे थे आप दूसरों के दुख में जो है ना आपकी आंखों से आंसू आ जाते थे और आज आप दूसरों को दुख देने का कारण बन गए। क्या कर रहे हैं देवर जी, छोड़िए ये सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, मेरी आंखों में दूसरों के लिए बिल्कुल भी आंसू नहीं आते, लेकिन इन्हीं आंखों को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको सृष्टि के लिए मोहब्बत दिखाई देगी। मोहब्बत? हाँ, बकवास, मोहब्बत कुछ हो नहीं है। मानती नहीं है ना आप? देखिए दुनिया बदल गया है देवर जी, सृष्टि बैजू का शादी हो गया है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारी बात सुनिए आप, छोड़ दीजिए पागलपन अपना, बता रहे हैं आपको। बदल गई होगी भाई दुनिया, बदल गई होगी, लेकिन भाई मैं क्यों बदलूं, मैं तो वही हूं जो पहले था और वही रहूंगा, और ना बदला है मेरा प्यार सृष्टि के लिए, समझे आप। उनके रिश्ते के बीच में ना दरार लाने का कोशिश मत कीजिए, नहीं तो बता तो नहीं तो क्या करेंगी आप? हाँ क्या करेंगी, मुझे गोली से मारेंगी? ये अपने लप्पू चप्पू को भेज कर मुझे पकड़वा कर मुझे पीटेंगी, क्या करेंगी आप? बोलो 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 क्या करेंगी। देखिए देवर जी बहुत प्यार से बोल रहे हैं आपको, आप उन दोनों के रिश्ते के बीच में मत आइए, समझे। भाभी मैं कहाँ आ रहा हूँ बैजू और सृष्टि के रिश्ते के बीच में? मैं तो उन इंसानों में से हूँ जो दिन रात दुआ करता है सृष्टि के लिए कि सृष्टि खुश रहे। हाँ एक वक्त था जब मैं सृष्टि से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि जहां सृष्टि की इच्छा हो वो वहां रहे, बस खुश रहे। अगर उसकी खुशी बैजू में है तो वही सही, और वैसे भी बैजू कितना अच्छा लड़का है, सबका कितना ख्याल रखता है। भाभी क्या पागल दिखाई दे रहे हैं हम आपको? हाँ हमें सब पता है, बोलते आप कुछ और हैं और करते आप कुछ और हैं। भाभी कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए आप हाथ जोड़ते हैं, आपके आगे आप बहुत हो गया, आपका ड्रामा है खत्म कीजिए बस। भाभी आप ये हाथ तो छोड़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हाथ जुड़े हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहे आप? देवी जी फोन दीजिए हमारा भी। लो 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 फोन ले लो। वाह भाभी वाह, क्या बात है, मान गया मैं आपको। ऐसे टेढ़े मेढ़े कामों में ना आपका दिमाग तो चीते से भी तेज दौड़ता है, लेकिन दिस टाइम बैड लक। ये सामने आईना दिखाई दे रहा है आपको, बहुत कमाल की चीज है। इस आईने में ना आपकी सच्चाई दिख गई, जिसका पर्दाफाश मैंने कर दिया है, और सृष्टि के मोबाइल से भी मैसेजेस मैंने ही डिलीट किए थे। लेकिन आपको है ना झुक के सलाम करना चाहिए, क्या बात है। लेकिन क्या है ना भाभी, जो मैंने सृष्टि के साथ किया वो आप मेरे साथ तो नहीं कर सकती ना? नहीं 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 ना। Don't do it again. माफ करना मुझे, मैं भूल गया था कि आपका अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग है, तो मेरे कहने का अर्थ ये था दोबारा मत करना। दीजिए अपना फोन पकड़िए, पकड़ो 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 और निकले यहां से। देव जी पता है आईना दिखाया ना आप हमें, बहुत कमाल का चीज है, ससुर हमारा पूरा सच्चाई सामने ला दिया ही। हाँ एक दिन ऐसे ही ना ये आईना आपका सच्चाई भी सबके सामने ले आएगा। उका है कि सच्चाई जो है ना वो कभी छिपता नहीं है, सामने आ ही जाता है, समझे। वो रहा दरवाजा, बाहर जाइए। ये जो चेहरे पे नकाब पहने घूम रहे ना आप देवर जी, इसको एक दिन ना हम ही उतारेंगे, देख लीजिएगा। दरवाजा बंद कर देना, शुक्रिया।
खुशबू तो मुझे पागल कर देगी। सृष्टि सारा गुस्सा नाक के ऊपर। फिर देखो, अरे ये तो जा ही नहीं रहा। मत कीजिए मिस्टर जीत। मिस्टर जी मत कीजिए ना। मिस्टर जी वो मिस्टर जी कर रही हो? वो हम बाजा बजा रहे हैं। टन 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 टन। अब बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बाजा बजा रहे थे। बाजा बजा रही थी? अब देखो फिर मैं क्या करता हूं। हमेशा गलत टाइम पे बजता है ये फोन। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? कम ऑन, व्रत धारण कर लियो। ओ मौनी बाबा, हेलो। काहे तो नेटवर्क भी आजकल छुपन छुपाई खेलते हैं। हेलो हेलो,
कल के न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन आएगी कि एक बेटी ने अपने बुढ़े बाप को चूहे मारने वाली दवा के साथ मार डाला। लिखो 3 किलो अरहर की दाल, 2 किलो कश्मीरी राजमा। मैडम जी, कश्मीरी राजमा काहे के लिए है? वो देसी राजमा ज्यादा अच्छा होता है, हमको बहुत पसंद है। तुमको नहीं पसंद तो मत खाना, बाकियों को पसंद है। बाकियों के बारे में सोचना भी तो जरूरी है ना। हम तो बस खाली बता रहे थे कि हमको। अरे सृष्टि, तुम दोनों प्रकार के राजमा भी तो मंगवा सकती हो ना, काहे इतना टेंशन ले रही। आई देखो कितना अच्छा बात बोली है रागिनी भाभी, एकदम सही बोली है। गलत तो सिर्फ हम ही बेवकूफ है इस घर में, बाकी सब सही है। अरे मैडम, हम ले आएंगे यार। कोई जरूरत नहीं है। मैडम जी, क्या हुआ आपको एकदम? कुछ भी नहीं हुआ है। अब ये मत कहना कि हम कल रात की तरह ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तुम्हें सामान मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऑर्डर करवा देंगे। मारे रहते हुए काहे और कहा हो गया, और काहे ऐसे बच्चों के जैसा लड़ते रहते हो अब? हाँ, पहले एक दूसरे को पाने के लिए पहाड़ तोड़ के ले आते थे और अब बात बात पे भिड़ जाते हो, कहा हो गया? हमको कहा पता। सॉरी भाभी जी, हमको कहा पता कहा हो गया। पता नहीं कहा एकदम उनके दिमाग में ना इसे गुस्सा चढ़ा रहता है हमेशा। और कल रात को विशु जी को ना डपट दी और अभी हमसे भिड़ गए। काहे देवर जी पे काहे गुस्सा आ गई, का बात हो गया? हमको कहा पता कहा एकदम, आप जाके पूछिए, पता कीजिए। एक काम कीजिए, आप जाके पूछिए, हम बाबूजी को जूस पिलाते तब तक। वाह, ये तो गजब हो रहा है। एक तीर से 2 निशाने की बात तो सुनी थी, यहां तो 3 लोग पर निशाना लग गए, वो भी एक साथ। जूस रागनी ने बनाया, पिलाएगा ये मवाली और मर जाएगा ये पुट्ठा। वाह, क्या किस्मत है मेरी। अब बेचो, एक काम करो, अब तुम जो हो ना, बाजार जाओ, फटाक से सिस्टी के लिए जो है गिफ्ट ला। थोड़ा स्पेशल फील कराओ, तुम्हारी वाइफ है उसको बहुत अच्छा लगेगा। अब जूस हमें दो, जूस हम पिला देते हैं। बहुत अच्छा, एकदम आइडिया दी है आप। जाओ। लेकिन एक बात बताइए, वो कहा लेके आए उनके लिए? हमको समझ में नहीं आ रहा। ये तो सोचे ही नहीं, कहा के पिला सकते हैं? आप सोचिए बैठ के आराम से, तब तक हम जूस पिला देते हैं। अच्छा, ये लो, सोचते हैं सिस्टी को कहा चाहिए। सिस्टी का फेवरेट कलर तो ब्लू है, कुछ ब्लू साड़ी या कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ बिलू, हाँ कुछ सोचते हैं। सोचिए आप, हम तब तक बाबूजी को लीजिए पीजिए। रागिनी भाभी ने अपने हाथों से बनाया जूस।